नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू रेडी विद रेखा। और ये देखो मिशु क्या कर रही है, मिशु टॉफी खा रही है। मिशु हेलो बोलो। कैसे हो बाबू? बाबू दिख रहा है इसमें। अरे ये अपने आप को ही बोल रही है कि बाबू दिख रहा है इसमें। और मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ बहुत खास। बहुत दिनों से सोच रही थी कि एक ब्लॉग इस पर बनाऊंगी, क्योंकि मैंने फिलहाल पिछले दिनों क्या मैं अगर सच्ची बताऊँ, मैंने ये इस तरह की वीडियोस बहुत सारी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर देखी थी, और उसी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आ गई थी कुछ समय तक, क्योंकि मैंने कुछ इतनी सारी वीडियोस देख ली थी। एक होता ना, कई बार परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग हमें बार बार कहते हैं कि तुम जो है ना बेबी बॉय को जन्म देने वाले हो, बेबी बॉय ही आएगा इस बार, तो जिस तरह के सिम्टम्स हैं, जिस तरह से आप चलते हो, जिस तरह से आप बैठते हो वगैरह वगैरह, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो मेरे दिमाग में भी आ गया था, हालांकि मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा हो गया था कि अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर मतलब मैंने जो है ना, फिर एक होता है ना, उन दिनों हम फिर प्रेगनेंसी के ही सारी वीडियोस देखने लगते हैं, मैंने भी वही शुरू कर दिया था। यूट्यूब पर बहुत सारी मैंने अल्ट्रासाउंड की वीडियो देखी, बहुत सारी ऐसे टाइम पास करने के लिए देखी। फिर क्या हुआ, उसके अंदर जो एक दिखाया कि जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं और एक बेबी बॉय जो होता है और एक बेबी गर्ल जो होती है, उनके हार्ट बीट में फ़र्क आता है। मैं उस मार्जिन का नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं वो मार्जिन बोलती हूँ तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, हो सकता है वो भी उस चीज़ को सर्च करने लग जाएगा। क्योंकि मैंने वो जब मार्जिन सुना था कि अगर लड़की की हार्ट बीट इतनी होती है या लड़के की हार्ट बीट इतनी होती है तो बेबी गर्ल होती है या बेबी बॉय होता है, उसके भी यहाँ पर मैंने वीडियोस देखी, और मेरे अल्ट्रासाउंड के अंदर एग्जैक्ट वही था कि मेरी जो बेबी गर्ल है उसकी हार्ट बीट जो दिखाई दे रही थी वो एक बेबी बॉय की थी, जो उसके अंदर बताया जा रहा था। मैं ये नहीं कह रही डॉक्टर्स ने कहा, किसी ने नहीं कहा था, वो तो मैंने यूट्यूब पर सिर्फ एक वीडियो देख कर सर्च किया था, ठीक है। लेकिन जब मेरे पास ये डॉल आई और उसके बाद जब हम घर आए और उसके बाद मैं बहुत टाइम तक यही सोचती रही कि कहीं मेरे साथ हॉस्पिटल के अंदर कुछ गलत गड़बड़ तो नहीं हुई है, मेरे बच्चे को चेंज तो नहीं कर दिया मेरे साथ। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये फैक्ट है, आज भी मेरे घर में भी सबको पता है, मेरे हस्बैंड को, मम्मी को, सिस्टर को, उस समय मैंने उन लोगों को बता भी दिया था कुछ समय के बाद कि जब मेरी बेटी हुई, ये ऑपरेशन से हुई थी, सिजेरियन हुई थी। बेटा मिशु एक मिनट, तो मैं जो थी बेहोश थी, और जब मुझे बेहोश होने के बाद थोड़ा सा होश आया तो मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर्स जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि इनको क्या हुआ है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सुनाई दिया है कि वो मेल बोल रहे हैं। और जब मैंने दोपहर 1:35 पर मेरी बेबी हुई है, और मैं शाम को जब 7 बजे अपने हस्बैंड से या मम्मी से पूछ रही हूँ कि क्या है, क्योंकि मुझे तो गर्ल ही चाहिए थी, तो वो कहते हैं गर्ल है, तो वैसे तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन दिमाग के अंदर ये आ रहा था कि डॉक्टर्स तो आपस में बात कर रहे थे कि इसको मेल है, बेटा हुआ है। तो मैंने वहाँ उन लोगों को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी वो बहुत परेशान हो जाए, पता नहीं मैंने ऐसा सुना है या मेरा दिमाग ही उस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि मैं कंटिन्यू जो वीडियोस देख रही थी, जो मैंने बातें सुनी थी। एक तरह से होता है ना, प्रेगनेंसी में दिमाग जो है ना बहुत ही ज़्यादा पजल हो जाता है, वो टाइम पीरियड ही ऐसा होता है। फिर घर आने के बाद भी 15 दिन, 1 महीना बीत गया, मुझसे नहीं रहा जा रहा था ये सोच सोच के कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरा बेबी बॉय हुआ था और मुझे गर्ल दे दी गई थी, तो बहुत गलत हुआ है, मुझे कुछ करना चाहिए ये वो। फिर मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, अपनी एक फ्रेंड से बात की, उसने मुझे समझाया कि एग्जैक्ट हुआ क्या था। फिर मैंने उसको अपना पूरा बताया कि मैं इस तरह से वीडियोस देख रही थी और उसमें हार्ट बीट के द्वारा बताया जा रहा था कि इतनी हार्ट बीट पर बच्चा लड़का होता है और लड़की होती है, तो और मैंने मुझे लग रहा कि डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, जबकि मैं होश में भी नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसके बाद धीरे 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 जब मेरी बेटी बड़ी होने लगी, तो एक होता है ना, देखो जो बच्चा हमारा है तो उसकी शक्ल और जो है वो मैच होनी शुरू हो जाती है, तो मेरे बेटे की तरह बिल्कुल हूबहू। और फिर मुझे खुद से रियलाइज़ हुआ, मैंने खुद में इतनी सारी चीज़ों को नोटिस किया कि उस टाइम पर मैं बेहोश थी,
मेरे दिमाग के अंदर खुद ही वो सारी चीज़ें चल रही थी और मैं खुद ही वो सब कुछ सोच रही थी। ना डॉक्टर्स ने आपस में कुछ बोला, ना कोई बात थी, ना मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा, क्योंकि वो बाहर ही खड़े थे, मेरी मम्मी भी बाहर थे। उन लोगों से मैंने पूछा, वो कहते नहीं, हम पूरा 1-2 घंटे बाहर ही रहे हैं, ना डॉक्टर्स बाहर आए हैं, ना अंदर कोई गया है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती एकदम पूरी फिल्मी कहानी जिस तरह से मुझे वो लगी अपने साथ में, वो सब जो हुआ वो क्यों था, बिकॉज ऑफ मैंने वीडियोस बहुत ज़्यादा देख ली थी, उन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करना शुरू कर दिया था, और उससे भी ज़्यादा मैंने वो एक अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट होती है उस पर फोकस किया। क्योंकि जब हम पढ़े लिखे होते हैं ना, तो हम सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकली सोचने लग जाते हैं कि अच्छा इतने नंबरिंग इसके दिए, इतने नंबरिंग इसके, तो ऐसा ही होता होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में अगर एक नंबर दे दिया कि इतनी हार्ट बीट पर बेटा है, इतनी हार्ट बीट पर बेटी है, तो वही होगा, ज़रूरी नहीं है। इसका जीता जागता सबूत है मेरी ये डॉल, है ना। तो आप लोग भी इस चीज़ पर, जो कोई भी इस तरह की वीडियोस देखता है और इस चीज़ के चक्कर में फंसता है, तो प्लीज़ उस चीज़ को भूल जाइए, बस मैं तो यही कहूँगी। और कमेंट में मुझे बताना कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ और कितने लोग ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल भ्रम है, कुछ भी नहीं होता। अब वीडियो देखिए, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। इतना सब कुछ समझने के बाद भी कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ें मेरे दिमाग पर हावी हो गई थी और मैं उसी तरह से सोचने लगी थी उस टाइम पीरियड में 2 साल पहले। आज मैंने ये सब इसलिए शेयर किया है क्योंकि मैं अब भी इसके बाद और भी चीज़ें हैं शेयर करने वाली हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जो मैंने झेला है, बहुत सारे लोगों के साथ हो भी सकता है। तो बाय बाय।